यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं बेसिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो आदेश निकाले जाते हैं और जो न्यूज हैं उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आपने आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं और यदि अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने 26S जो AS होता है फॉर्म और अपनी वार्षिक सूचना रिपोर्ट यानी कि AIS की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों ही दस्तावेज आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यदि आंकड़ों का मिलान इन दोनों से नहीं होता है तो आयकर रिटर्न खारिज हो सकता है और करदाता को संशोधित रिटर्न दाखिल करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों डॉक्यूमेंट को पहले चेक करना होगा कि कहीं इसमें कोई बीच में असमंजस तो नहीं बना हुआ है, कोई भी ऐसी एंट्री तो नहीं है जो मैच ना कर रही हो। तो AIS सुविधा को हाल ही में आयकर विभाग ने शुरू किया है। इससे पहले 26AS फॉर्म की जरूरत पड़ती थी। इसमें संबंधित वित्त वर्ष के दौरान चुकाए गए कर भुगतान और लेन देन का ब्यौरा शामिल रहता था। इसे विभाग की ट्रेस पोर्टल से हासिल करना होता था। वहीं वार्षिक कर विशेषज्ञों का कहना है यदि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए दोनों दस्तावेजों पर ध्यान देना जरूरी है। आयकर विभाग के अनुसार फॉर्म 26AS में अब मुख्य ध्यान सिर्फ TDS और TCS की जानकारी पर रहेगा। करदाता की अन्य सभी जानकारियां अन्य AIS में दी जाएंगी, इसलिए ITR दाखिल करते समय दोनों दस्तावेजों की जानकारी इस्तेमाल करना होगा। दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से पहले देख लेना होगा, अध्ययन कर लेना होगा। गलत विवरण को ठीक करने का तरीका है AIS के लिए। विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जहां दोनों ही दस्तावेजों में गलत विवरण दिए गए थे। ऐसी स्थिति में करदाता के पास संबंधित वित्त वर्ष के दौरान किए गए वित्तीय लेन देन के वैध कागजात होने अनिवार्य हैं। इनकी मदद से आपको AIS फॉर्म में गलती सुधारने के लिए विभाग से संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन कर AIS सेशन में जाना होगा और वहां संबंधित गलत विवरण में क्लिक कर फीडबैक के माध्यम से विभाग को सूचित करना होगा। तो फॉर्म 26AS के लिए अगर इस फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो करदाता को TDS काटने वाले से संपर्क करके उसे सुधार करने के लिए कहना होगा। इसके अलावा किसी CA की मदद से रिटर्न में सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए लेन देन के दस्तावेज पेश करने होंगे। 31 जुलाई 2023 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है क्योंकि इसके बाद 31 जुलाई के बाद कोई भी आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। वहीं पर बेसिक शिक्षा विभाग में एक और यहां पर महत्वपूर्ण न्यूज निकाली गई है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। निपुण लक्ष्य प्राप्त हों इसलिए बच्चों में शैक्षणिक स्तर उच्च करने, विद्यालय में उपस्थिति एवं ठहराव को सुनिश्चित किया जाना है। इसी कड़ी में सभी SRG और ARP को प्रार्थना सभा में शामिल करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। अब अपने विद्यालय को निपुण बनाने के लिए 10 पॉइंट टूल किट भी जारी की गई है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको पॉइंट ये दिखा रहे हैं। सबसे पहले HM शिक्षक संकुल टीचर का टीम भावना स्वीकार करना। इनकी जो HM है, हेड हैं और शिक्षक संकुल हैं, वो अपने स्तर से विद्यालय की समस्याओं का निराकरण करें। न्याय पंचायत स्तरीय समस्याओं पर शिक्षक संकुल बैठक में चर्चा कर समाधान निकालें। हेडमास्टर शिक्षक संकुल सभी प्रकार के प्रशिक्षण का आकलन करें और सभी शिक्षकों को प्रेरित कर उनका उत्साह वर्धन करें, क्षमता वर्धन करें। इसके साथ दूसरा पॉइंट है शिक्षकों के बीच कक्षा आवंटन और कार्य विभाजन। इसके लिए अभी आदेश भी जारी किया गया है कि जो शिक्षक है विद्यालय में उस हिसाब से जो भी कक्षाएं हैं उस हिसाब से दोनों को मैपिंग करना है, ऑनलाइन इनके क्लास आवंटन करना है। तो इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी का शिक्षक के साथ मानचित्रण हो, छात्रों को कक्षा के अनुसार बैठाना और सम्मुखार कराना। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है समुदाय सहभागिता। नुक्कड़ नाटक समुदाय से रिश्ता बनाकर छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। इसके साथ ही चौथा पॉइंट है संदर्श का आधारित शिक्षण योजना का उपयोग करें। सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना होगा। शिक्षक संकुल बैठकों में शिक्षकों को प्रशिक्षण को करने हेतु प्रेरित करना। डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण की सहायता लेने, समय प्रतिदिन 30 मिनट अलग से शिक्षण योजना को तैयार करना, शिक्षक संकुल का डेमो, मेंटर विजिट में डेमो। इसके साथ ही छात्रों का आकलन और उपचारात्मक शिक्षा पर भी ध्यान देना होगा।
जो भी साप्ताहिक आकलन ट्रैकर होगा उसके आधार पर संघर्षशील छात्र और संतोषजनक छात्रों को निकालना होगा। जो संघर्षशील छात्र हैं उनका रेमेडियल करवाना होगा और संतोषजनक छात्र हैं उनको पुनरावृत्ति करानी होगी। इसके बाद सातवां जो टूल है वो है प्रभावी संवाद टूल। संकुल शिक्षकों ARP द्वारा प्रभावी संवाद टूल पर चर्चा करना, शिक्षकों की समस्या का समाधान करना, और इसके बाद में 18वां नंबर है शिक्षकों का उत्साहवर्धन करना। इसके बाद 9वां नंबर है शिक्षक संकुल बैठक में न्याय पंचायत की कार्य योजना बनाना। तो जो विद्यालय हैं चयनित विद्यालयों की प्रगति रिपोर्ट की संकुल शिक्षक में प्रस्तुत करते हुए अगले माह की कार्य योजना बनाई जाएगी। संकुल बैठक के मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने विद्यालय की कार्य योजना बनाई जाएगी। चयनित निपुण विद्यालयों की प्रगति का अनुसरण किया जाएगा। चयनित विद्यालयों में निपुण छात्रों की प्रगति की आख्या पर शिक्षक संकुल बैठक में चर्चा की जाएगी। चयनित विद्यालयों के HM का शिक्षक संकुल बैठक में उत्साहवर्धन किया जाएगा। हम बनाएंगे निपुण प्रदेश। तो इस प्रकार से आप जब अपने अपने विद्यालय को निपुण बनाएंगे तो पूरा प्रदेश निपुण बन जाएगा।